मैं बोल रहा था आप लोगों को बिक जाएगी और ये आमिर भाई बिक गई है, ये टोकन आ गया आमिर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये 10,90,000 रुपए में इन साहब ने गाड़ी ले ली है। अल्लाह इनको बरकत डाले, मुबारक कर रहे हैं। हम सब की दुआ इनके साथ है। अब तो पांच मेरे, अच्छा पहले ही सेटिंग चल रही है इसमें भी। मैं अभी भी दिखाऊंगा, 2014 का ये मॉडल है, तो जितने हमारे हजरा आप लोग जो है वो चेक कर लें। ये रश चल रहा है इस गाड़ी पे, जो मैं गाड़ी आप लोगों को दिखा रहा था ऐसी बराबर वाली गाड़ी अच्छी है, वो भी अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या सीन है। तो ये सारी पार्टियां अभी जो है ना इसके ऊपर रश लगा के खड़ी हुई है भाई, ये क्या पता निकल जाए। एक भाई ये खड़े हुए, बाकी ये सब लोग खड़े हुए, तो ऐसे ही चल रहा है भाई इस गाड़ी का। 2012 की कोरे हम लोग को जो है वो मिल गई है, वो उन लोग की नहीं है। 2019 का जो है ये मॉडल है, बाकी गाड़ी जो है वो पूरी जेन्युइन बता रहे हैं। दोस्तों तो भाई हमारी लास्ट वीडियो पे जो सबसे पहली कमेंट आई थी वो आई थी शरीफ भाई की, नेद अहमद भाई की, मोहम्मद यूसुफ भाई की, ताबिश अहमद भाई की, मी जैक व्लॉग्स की, भाई अख्तर खान साहब की, और एक हमारे भाई हैं जो काफी टाइम से हमें जो है वो यहाँ पर कमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। अच्छा, उनकी आईडी पे उनका नाम नहीं है, उनकी आईडी में एंड का जो मैं अल्फाबेट है वो बता देता हूँ, Q3W जो है वो उनकी एंड में जो है वो लिखा हुआ है। अब्दुल सत्तार भाई की, खालिद भाई की, ताहिर बलूच साहब की, अयान साहब की। सो इसी तरीके से जो भाई हमारी कुछ शुरू की कमेंट्स होती हैं वो उन सब लोगों के नाम हम लोग जो है वो आप लोगों को हर वीडियो में जो है बताते रहते हैं। तो होपफुली ये वाली वीडियो भी जो है वो आप लोगों को पसंद आएगी, और जिसकी भी कमेंट सबसे पहले आएगी इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को जो है वो मेंशन करेंगे। 2012 की कोरे हम लोग को जो है वो मिल गई है, तो हमारे जितने हजार आते जिन्होंने मुझे कोरे की रिक्वेस्ट करी थी कि हसन भाई कोरे चाहिए, तो गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, साइड वाइडें देखें, गाड़ी की फ्रंट साइड वगैरह देखें, लाइट्स वगैरह कंप्लीट हैं, इंडिकेटर्स वगैरह, अलॉय रिम्स जो है वो गाड़ी के अंदर डले हुए आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा टायर्स की अगर बात करूँ, टायर्स भी सही है, नॉर्मल कंडीशन लेके आप लोग जो है वो चला सकते हैं, कोई काम वाम नहीं करवाना पड़ेगा। अच्छा, इंटीरियर में जो मुझे नज़र आ रहा है कि सीट्स वगैरह इसके अंदर मेरे ख्याल से न्यू डली हुई है या शॉपर्स वगैरह चढ़ी हुई हैं, तो जब हम इंटीरियर देखेंगे तो और अच्छे से जो है आप लोग को वाजे कर देंगे कि भाई क्या सीन है गाड़ी का। तो ये आप लोग जो है वो देख लें, गाड़ी की बैक साइड से मैं गाड़ी आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ। दोनों लाइट्स वगैरह गाड़ी की कंप्लीट हैं, बम्पर वगैरह देख लें, यानी कि ओवरऑल अगर बात की जाए तो हल्के फुल्के स्क्रैचेस तो आप लोगों को पता है गाड़ियों पे जो है वो नज़र आ ही जाते हैं, लेकिन ये कि मेजर कोई ऐसा वो नज़र नहीं आ रहा। गाड़ी जो है वो आप लोगों को साफ सुथरी कंडीशन में जो है वो मिल रही है। सो आप लोगों ने बैक साइड भी देख ली, फ्रंट साइड भी देख ली। गाड़ी के रूफ जो है मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। सो रूफ नज़दीक से दिखाने का ये होता है कि भाई ये वाली साइड है आप लोगों को सारी कम्प्लीटली जो है वो नज़र आ जाती हैं। बाकी अंदर से देखते हैं गाड़ी का, अब जो है वो हम लोग इंटीरियर चेक करते हैं गाड़ी का, इंटीरियर से कैसी है गाड़ी। तो इंटीरियर में भी देख लें, दरवाजे वगैरह आप लोगों को यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, नीचे से डोरियाँ वगैरह जो है वो गाड़ी की देखें, डोर पैनल जो है वो देख लें, यानी कि जो गत्ते बेसिकली कहलाते हैं गत्ते आप लोग जो है वो चेक करें। इसके अलावा बात की जाए गाड़ी की फुटपारियों की, फुटपारियाँ वगैरह यहाँ से जो है वो आप लोग देखें, पिलर्स देख लें ऊपर से गाड़ी के जो है वो। बाकी अंदर से देख लेते हैं भाई गाड़ी को। सो अंदर इसकी बात करी जाए तो भाई LCD प्लेट जो है वो गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, मैनुअल ट्रांसमिशन पे जो है ये गाड़ी है। तो हमारे बहुत सारे अफराद जो बोल रहे थे ऑटो भी दिखाइएगा भाई, तो ऑटो कोशिश करेंगे, ऑटो भी हमें जो है वो कोई मिल जाए गाड़ी। तो यहाँ से हाल फिलहाल आप लोग गाड़ी जो है वो देखें, पॉलिशिंग वगैरह हुई भी अंदर से, साफ़ सुथरा इन्होंने रखा हुआ है। सीट्स की अगर बात की जाए गाड़ी की तो देख लें, सीट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई नई जो है वो बनवाई हुई है इन्होंने, तो ऊपर शॉपर्स वगैरह चढ़ी हुई हैं, अंदर से बिल्कुल न्यू ही नज़र आ रही है मुझे। बाकी एक यानी कि साफ़ सुथरी है, कोई ऐसा वो नहीं है, नीचे रबर मैट्स वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो डले हुए हैं। बैक साइड का डोर हम लोग जो है वो देख लेते हैं खोल के, बैक साइड से कैसी है गाड़ी। तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो देखें, दरवाजे साइडें वगैरह जो है वो देख लें, गाड़ी के गत्ते देख लें, नीचे की साइडें देख लें, ऊपर से पिलर्स वगैरह जो है वो गाड़ी के देखें। सो ओवरऑल यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों के लिए मिली, यहाँ तक कि एटलीस्ट पीछे से मैं आप लोगों को डिग्गी खोल के दिखाता हूँ गाड़ी की डिग्गी से किस तरीके से है। बैक साइड पर आ गए, गाड़ी की डिग्गी भी मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ से चेक करा रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख लें ऊपर की साइडें वगैरह जो है वो देखें डिग्गी की। बाकी इसी तरीके से अगर अंदर आए तो बैक साइड का भी ये भी इन्होंने मेरे ख्याल से न्यू जो है वो डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अंदर की बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है वो रखी हुई है, यानी कि अगर कोई फैमिली वाला बंदा लेता है तो उसको लेके यानी कि कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेके जो है वो नॉर्मली चला सकता है, यानी कि कोई साफ़ सफाई या कुछ ऐसा वाला सीन नहीं होगा। तो अब चलते हैं ज़रा जो है वो गाड़ी के इंजन रूम को भी देख लेते हैं कि भाई इंजन रूम से गाड़ी जो है वो किस कंडीशन में रखी हुई है भाई ने। सो फ्रंट साइड पे से आप लोग सबसे पहले गाड़ी की जो है वो शो वगैरह चेक कर लें, यानी कि शो पट्टी या फ्रंट पट्टी जो कहलाती है वो आप लोग यहाँ से जो है वो देखें। इसके अलावा गाड़ी के कुप्पे में आप लोगों को नज़दीक से जो है वो दिखा दूँ। सो यहाँ से सारी साइडें वगैरह जो है वो आप लोग देख लें, यहाँ से पूरा एक व्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ किस तरीके से गाड़ी। बाकी इसी तरीके से पूरी बैक की शील्ड वगैरह भी आप लोग देखें, दूसरी साइड का कुप्पा भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो खासतौर पे जो हमारे कोरे वाले हजरात थे जिन्होंने बोला था ऐसा भाई कोरे चाहिए, सो उन लोगों ने जो है ये गाड़ी मुझे बता दिएगा भाई आप लोगों को गाड़ी जो है वो कैसी लगी। बाकी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे भाई कोई ऑटो मिल जाए तो वो भी जो है वो आप लोगों के लिए ऐड कर दें।
तो अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर है, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं, मालूम करते हैं भाई गाड़ी उन्होंने क्या रेट रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं बशीर भाई। बशीर भाई की ये गाड़ी है। सर गाड़ी तो हमने जो है वो बॉडी वाइज गाड़ी का इंटीरियर वगैरह इंजन दिखा दिया है, बाकी आप सर ये बताएं गाड़ी इंजन से सस्पेंशन से चलने में कैसी है ये गाड़ी? बहुत अच्छी गाड़ी है, घर की गाड़ी है, घर की इस्तेमाल की है, जो भाई लेगा दुआ करेगा। पूरी गाड़ी जेन्युइन है, एक ही छोटा सा पीस टचअप है। एक पीस कौन सा टचअप है गाड़ी में? ये डोर के साथ ही बाइक के खराश आए हुए ठीक है, यानी कि एक बाइक यहाँ पर लगी थी इस वजह से टचअप है, बाकी उसके अलावा पूरी गाड़ी जो है जेन्युइन आपने रखी हुई है। अच्छा, हम अगर इसके पेपर्स वगैरह की बात करेंगे, टैक्स वगैरह की, CPLC और नंबर प्लेट? 2023 के छठे महीने तक टैक्स क्लियर है इसके, और CPLC सारे क्लियर है, फर्स्ट ओनर है हमारे अपना नाम पे। ठीक है, आपके अपने नाम पे जो ये गाड़ी है, तकरीबन कब से चला रहे हैं सर ये गाड़ी आप? ये मेरे पास है यार, ली थी मैंने, शुरू से हमने वो लिए थी। ठीक है, तकरीबन आपने ज्यादातर जो है ये गाड़ी यूज करी है। अच्छा, एवरेज वगैरह क्या दे रही है ये गाड़ी तकरीबन? एवरेज अच्छी दे रही है, इसके CNG भी है, पर हमने CNG पे नहीं चलाया, पेट्रोल पे चला रहे हैं। पेट्रोल पे चलाने तकरीबन क्या दे देती है? एक लीटर में 18 एवरेज देती है। 18 का एवरेज देती है। अच्छा, CNG, पेट्रोल, AC तीनों चीजें गाड़ी की ऑन है? बिल्कुल। ठीक है, यानी कि अभी अगर कोई बंदा परचेज करता है घर वाला, तो उसको कोई किसी किस्म का काम करवाने की जरूरत नहीं, बस गाड़ी ले और चलाए, बस ये वाली बात है। अब आ जाते हैं सर मेन चीज के ऊपर, क्या आपने डिमांड रखी है सर गाड़ी? डिमांड तो इसके 9.5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। ठीक है, 9.5 लाख रुपए, बाकी ये ऐसी बात है इसमें मुनासिब हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 9.5 लाख रुपए गाड़ी की डिमांड है। गाड़ी आप लोगों को कम्प्लीटली जो है वो दिखा दी है। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मजीद मालूम ले सकते हैं, सर अपना नंबर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, नंबर है 0300-38-87-330। ठीक है, तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। कराची में देख कहाँ सकते हैं गाड़ी? टाउन में देख सकते हैं। ठीक है, कोयटा टाउन में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलें, शुक्रिया। अनिल दोस्तों आगे बढ़ चुके हैं, तो जितने भी हमारे हजरात हैं मेहरान वाले, जो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, कहते भाई मेहरान के आगे के मॉडल भी जो है वो थोड़ा ऐड कर दिएगा, काफ़ी टाइम हो गया है। सो ये गाड़ी जो है वो उन लोगों की नहीं है, 2019 का जो है ये मॉडल है। बाकी गाड़ी जो है वो पूरी जेन्युइन बता रहे हैं, बाकी कोशिश करेंगे जो गाड़ी के ऑनर हैं, जब उनसे बातचीत कर लेंगे तो और मजीद मालूम जो है वो सारी चीज़ें हम लोग मालूम करेंगे। हाल फिलहाल गाड़ी आप लोग जो है वो देख रहे हैं, नॉट आउट साफ सुथरी कंडीशन में मुझे नजर आई, तो मैंने बोला चलो यार ऐड करते हैं आप लोगों के लिए। फ्रंट से गाड़ी बिल्कुल क्लियर जो है वो आप लोगों को नजर आ रही है, लाइट है, वाइट है, हर चीज़ जो है वो गाड़ी की आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ड्राइविंग साइड से बात करें गाड़ी की, तो ड्राइविंग साइड से भी यहाँ से भी गाड़ी बिल्कुल क्लियर आप लोगों को जो है वो मिल जाती है, कोई स्क्रैच वगैरह, कोई डेंट वगैरह जो है वो आप लोगों को गाड़ी के ऊपर नज़र नहीं आ रहा होगा। बाकी बैक साइड से हम लोग देखते हैं गाड़ी, बैक साइड से गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में जो है मिलती है, सो ये भी आप लोग जो है वो चेक करें। दोनों लाइट्स वगैरह गाड़ी की क्लियर हैं, रूफ़ वगैरह यहाँ से अगर आप लोग देखें नज़दीक से, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो साइडें वाइडें जो है वो आप लोग गाड़ी की यहाँ से भी जो है वो एक नज़र देख लें। बाकी चलते हैं, चल के गाड़ी का जो है वो इंटीरियर देख लें, इंटीरियर से गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में जो है मिलती है। तो ये आ गए हम लोग दरवाजे, अंदर से इंटीरियर आप लोगों को दिखाएँ, यहाँ से दरवाजे जो है वो गाड़ी के चेक कर लें, इसी तरीके से गाड़ी के गत्ते वगैरह देख लें, नीचे की साइडें देख लें, ऊपर से जो है वो गाड़ी के पिलर्स वगैरह आप लोग देखें। अंदर से अगर डैशबोर्ड वगैरह की बात की जाए तो देख लें, डैशबोर्ड वगैरह भी कम्प्लीटली आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रहा होगा, यानी कि कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई पीस मिसिंग वगैरह कुछ इस तरीके का। बाकी गाड़ी का यहाँ से मीटर मैं आप लोगों को जो है वो दिखा दूँ, तो ये आप लोग एक नज़र जो है वो चेक कर लें। आफ्टर मार्केट सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो इन्होंने मेंटेन करे हुए, तो यहाँ से आप लोग जो है वो भी देखें। बाकी नीचे रबर मैट जले हुए गाड़ी के अंदर, बैक साइड का डोर हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं, बैक साइड से गाड़ी किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिल रही है। यहाँ से भी गाड़ी मैं आप लोगों को जो है वो दिखा दूँ, तो यहाँ से भी देख लें, दरवाज़ों की साइडें वगैरह जो है वो नीचे की साइड है, यहाँ पर कोई रस्ट नहीं नज़र आ रहा होगा। बाकी यहाँ से आप लोग जो है वो देख लें, फुटपारियाँ गाड़ी की जो है वो चेक कर लें, बैक साइड की सीट्स भी इसी तरीके से जो है कंप्लीट क्लियर साफ़ सुथरी जो है वो आप लोगों को मिल रही हैं। सो ये पूरा एक व्यू मैंने आप लोगों को गाड़ी के इंटीरियर का भी जो है वो दे दिया है। आप चलते हैं ज़रा जो है वो गाड़ी का इंजन रूम देख लेते हैं भाई, इंजन रूम से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस कंडीशन में मिलती है। सो ये आ गए हम लोग गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, यहाँ से भी आप लोगों को गाड़ी जो है वो दिखा दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग फ्रंट से जो है वो देख लें ज़रा एक नज़र, फ्रंट की पट्टी वगैरह जो है वो आप लोग देखें, यहाँ से साइडें वगैरह जो है वो देखें। बाकी गाड़ी के कुप्पे में आप लोगों को जो है वो यहाँ से दिखा देता हूँ, कुप्पे आप लोग जो है वो चेक कर लें, बैक की सीट देख लें। बाकी इसके अलावा इसके अंदर जो है वो टिकली वगैरह लगी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। सो ओवरऑल यानी कि यहाँ से भी जो है वो क्लियर आप लोगों को गाड़ी मैंने एक नज़र दिखा दी है। बाकी अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर है, ज़रा उनसे बातचीत कर लेते हैं, मालूम करते हैं भाई उन्होंने गाड़ी का क्या हिसाब किताब रखा है और गाड़ी कितने की जो है वो देंगे। अभी मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असगर भाई, जिनकी ये गाड़ी है। असगर भाई, गाड़ी तो हमने जो है वो दिखा दी है, 2019 का ये मॉडल है, गाड़ी माशाल्लाह से आपने अच्छी रखी हुई है। बाकी इसके अलावा बताएं इंजन से सस्पेंशन से कैसी है गाड़ी? 100% सस्पेंशन, इंजन चलाकर देखें सुन गाड़ी ठीक है, यानी कि इंजन सस्पेंशन से गाड़ी बिल्कुल ओके है। बिल्कुल ओके, कोई काम। कितना चली हुई है सर ये गाड़ी? ये 54 चली हुई है सर। ठीक है, 54,000 जो है ये गाड़ी चली हुई है। अच्छा, बॉडी में अगर हम बात करें तो बॉडी सर 99% ओरिजिनल है, सिर्फ इसकी ना वो पीछे चांद गोलाई ठीक है, जो टायर के ऊपर वाली वो गोलाई एक टचअप है,
बाकी उसके अलावा जेन्युइन है गाड़ी। एवरेज वगैरह क्या करती है ये गाड़ी? एवरेज राउंड अबाउट 20 के 10 लाख 80 हज़ार 20 तक का जो है, तो 20 तक का जो है वो गाड़ी का एवरेज है। बाकी तकरीबन डिटेल्स आप लोगों को जो है बता दिए। अच्छा सर, मेन चीज़ डिमांड पे आ जाते हैं हम लोग। डिमांड सर इसकी 10 लाख 80 हज़ार रुपये की डिमांड करें। ठीक है, 10 लाख 80 हज़ार रुपये जो है वो गाड़ी की डिमांड करें। बाकी एक इसमें कमी पेशी वगैरह तो हो जाएगी, थोड़ी बहुत हो जाएगी सर। ठीक है, थोड़ा बहुत निगोशिएट हो जाएगा। इसके अलावा गाड़ी अगर हमें देखनी हो तो कहाँ देख सकते हैं ये सर? इस टाइम तो यहीं देख सकते हैं बाजार में, वैसे देखनी हो तो गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में। ठीक है, गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में ये गाड़ी हमारी है, पुल के पास। ठीक है, अपना नंबर भी ऐड कीजिएगा सर। जी 0315-0319-1573-1573। तो ये जो है भाई का नंबर है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम ले सकते हैं। चलें, शुक्रिया। आप लोग जो है वो चेक कर लें, ये रस चल रहा है इस गाड़ी पे जो मैं गाड़ी आप लोगों को दिखा रहा था। ऐसी बराबर वाली गाड़ी अच्छी है वो भी, उसका भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या सीन है। तो ये सारी पार्टियाँ भी जो है ना इसके ऊपर रश लगा के खड़ी हुई है भाई, ये क्या पता निकल जाए। एक भाई ये खड़े हुए, बाकी ये सब लोग खड़े हुए, तो ऐसे ही चल रहा है भाई इस गाड़ी का। एक और गाड़ी आप लोगों ने लेके आ गए कल्टस। तो पहले तो आप लोग देख रहे हैं भाई रश किस तरीके से जो है वो इस गाड़ी के ऊपर चल रहा है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को गाड़ी जो है दिखाऊंगा। 2014 का ये मॉडल है। तो जितने हमारे हजरात थे जो बोल रहे थे कि हसन भाई कल्टस जो है वो अच्छी ऐड कीजिएगा, तो भाई आप लोग ही नहीं, ये गाड़ियाँ जो है वो ऐड कर रहा हूँ। और माशाल्लाह से भाई इन पर रश भी काफ़ी चल रहा है, तो मैंने बोला चलो यार देखें। गाड़ी अगर दूर से नज़र आती है ना तो तभी जो है वो इसके ऊपर रश वगैरह आप लोगों को जो है वो नज़र आता है। दो पीस जो है वो गाड़ी के टचअप हैं, बाकी पूरी गाड़ी जो है ये जेन्युइन बता रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी हम लोग और मजीद जो है वो सारी डिटेल्स वगैरह लेंगे। तो गाड़ी का लुक जो है वो आप लोग यहाँ से बैक साइड से थोड़ा सा देखें, आगे रश था तो वहाँ से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा था। तो ये आप लोग जो है वो देख रहे हैं, यहाँ पर कोई यानी कि आप लोग इस तरीके से कोई स्क्रैचेस कोई डेंट्स वगैरह गाड़ी के ऊपर जो है वो नज़र नहीं आ रहे होंगे। बाकी जाहिर सी बात है हल्के पुल्के जो होते हैं वो तो आप लोगों के सामने ही होते हैं। तो फ्रंट से अभी थोड़ा रश जो है वो कम हुआ है, तो वहाँ से भी मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो देख लें, सारी साइडें वगैरह जो है वो आप लोग चेक कर लें। इसके अलावा बात की जाए गाड़ी की फ्रंट साइड से, तो फ्रंट साइड से भी मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाता हूँ। एक भाई ये भी हमारे जो है वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है वो सबसे पहले गाड़ी की जो है वो शो पट्टी चेक कर लेते हैं। कैसे हैं भाई, ठीक ठाक हैं? तो शो पट्टी में हम लोग क्या चेक करते हैं कि भाई दोनों साइडों से सीधी हो और इसके ऊपर कोई डेंटिंग वगैरह ना हुई हो, यानी कि पट्टी जो है वो क्लियर हो। तो ये आप लोग जो है वो देख रहे हैं, यहाँ पर कोई डेंटिंग वगैरह का निशान नहीं है, पट्टी यहाँ से क्लियर जो है वो आप लोगों को दिख रही होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए हम लोग कुप्पे वगैरह की बात करें, तो कुप्पे मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये आप लोग देख लें। अच्छा, गाड़ी स्टार्ट है, साइलेंट है, यानी कि कोई ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह हमिंग वगैरह नहीं है गाड़ी के अंदर। यहाँ से आप लोग जो है वो सारी चीज़ें चेक करें, पूरा नो डाउट क्लियर है, कोई रस वगैरह नहीं, गाड़ी जो है वो आप लोगों को साफ़ सुथरी जो है वो नज़र आ रही होगी। तो ये तो हो गई इंजन रूम की बात। अब जो है हम लोग दूसरी साइडें वगैरह भी ज़रा जो है वो देख लेते हैं। अब जो है वो रश थोड़ा कम हुआ इस गाड़ी के ऊपर, अभी भी एक पार्टी जो है वो लगी हुई है। तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो साइडें वगैरह देखें। बाकी इसके टायर्स वगैरह की अगर बात करूँ तो नॉर्मली इसके ऊपर व्हील कैप वगैरह जो है वो गाड़ी के ऊपर लगे हुए हैं। चलते हैं ज़रा जो है वो गाड़ी का अब इंटीरियर वगैरह हम लोग जो है वो देखते हैं भाई, इंटीरियर से गाड़ी जो है वो किस तरीके से रखी हुई है। सो ये आ जाते हैं भाई, यहाँ से हम लोग इंटर हो जाते हैं इंटीरियर में। सो ये आप लोग जो है वो देख लें, साइडें वगैरह नीचे की दरवाज़ों की चेक कर लें, क्लियर है यहाँ से, यहाँ पर कोई रस्ट वगैरह नहीं है। डोर पैनल गाड़ी के साफ़ हैं, यानी ये जो गत्ते कहलाते हैं गाड़ी के वो आप लोगों को साफ़ सुथरी कंडीशन मिल रहे हैं। नीचे की साइडों की अगर बात की जाए फुटपारियों की, फुटपारियाँ गाड़ी की जो है वो क्लियर हैं। ऊपर से अगर बात की जाए गाड़ी के, यानी कि हम लोग पिलर्स की जो बात करें, पिलर्स वगैरह क्लियर हैं। यहाँ से आप लोग गाड़ी का जो है वो डैशबोर्ड वगैरह चेक कर लें, डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का जो है वो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। सीट्स की अगर बात की जाए तो सीट्स वगैरह जो है वो गाड़ी की क्लियर हैं, यानी कि ओवरऑल गाड़ी यहाँ से भी आप लोगों को जो है वो क्लियर मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको डस्टी मिल रही है कुछ इस तरीके से, हो गाड़ी ओवरऑल क्लियर है। बैक साइड का डोर मैं आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ। तो बैक साइड के भी डोर मैं आप लोगों को जो है वो दिखा दूँ, तो यहाँ से भी जो है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से भी क्लियर है, यहाँ पर कोई रस्ट वगैरह जो है वो गाड़ी के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, पहले मैं खुद देख रहा था। बाकी आप लोग यहाँ से नीचे से जो है वो फुटपारियाँ देख लें गाड़ी की, नो डाउट फुटपारियाँ भी गाड़ी की साफ़ हैं। ऊपर से पिलर्स वगैरह भी जो है वो आप लोग देखें, यहाँ से भी गाड़ी आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होगी। तो एक पूरा ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया, इंटीरियर वगैरह दिखा दिया गाड़ी का, पूरा एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल गया गाड़ी किस तरीके से। आप चलते हैं जो ज़रा गाड़ी के ऑनर हैं उनसे बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं गाड़ी का क्या हिसाब किताब है। अभी इंटरव्यू के लिए खड़े हैं और यहाँ पर दोबारा से भाई लग गया है रश और इंतज़ार हो रहा है। ये हर 5 मिनट का ही सीन है, गाड़ी दिखा नहीं पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा जो है रश लगे आ रहा है गाड़ी के ऊपर। चलें आमिर भाई से बातचीत कर लेते हैं, आप थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। ये भाई चेक करें, मैं बोल रहा था आप लोगों को बिक जाएगी और ये आमिर भाई बिक गई है, ये टोकन आ गया आमिर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये 10,90,000 रुपए में इन साहब ने गाड़ी ले ली है, अल्लाह इनको बरकत डाले, मुबारक कर रहे हम सबकी दुआएं इनके साथ हैं। अब तो 5 महीने, अच्छा पहली सेटिंग चल रही है इसमें भी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, 90 में मैं कुछ नहीं दूंगा आपको।
कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, दुनिया गाड़ी। अबे भाई मजाक मजाक में पता क्या होता है, चले चले माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह से सौदा हो गया गाड़ी का। गाड़ी आप लोगों को दिखा दिए, नेक्स्ट गाड़ी के लिए अपना नंबर शेयर करते हैं आमिर भाई। भाई मेरा नंबर है 03-12-12-85-842। इंशाल्लाह जो आएगा वो गाड़ियाँ अच्छी मिलेंगी, हमारी मेहनत होती है, हमारी मेहनत होती है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि सामने वालों को जो खरीदने वाले उसको अच्छी से अच्छी गाड़ी मिले और उसको तबीयत खुश हो, वो हमें दुआओं में याद रखें। चलें चलें भाई, अल्लाह नसीब करे आप लोगों की गाड़ी। अल्लाह हाफिज।